लगभग 50 से 55 लाख जो गन्ना किसान हैं, इन गन्ना किसान भाइयों और बहनों को किसी गन्ना माफिया की चपेट में ना आना पड़े और इनके परिश्रम का सही लाभ इन्हें प्राप्त हो सके, इस दिशा से वह कार्यक्रम आपको दिया गया। और आपने जिस अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की, जो बताया, आप मुझे बताइए अगर कोरोना कालखंड में हम ये व्यवस्था नहीं लागू करते, क्या संभव था चीनी मिलों को चला पाना? नहीं था। महाराष्ट्र की आधी चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की चीनी मिलें बंद हो गई, ब्राजील दुनिया के अंदर सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश है, ब्राजील की चीनी मिलें कोरोना में बंद हो गई। मेरे सामने भी बात आई थी, मैंने उस समय के गन्ना मंत्री और अपर मुख्य सचिव से संजय बोस रेड्डी जी को बुलाया, गन्ना विभाग के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी देखो कोरोना आएगा, इसको निपटने के लिए सरकार अपनी तरीके से व्यवस्था करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमारे प्रदेश की इनकम का और इतने बड़े प्रदेश को संचालित करने के लिए अगर हमारी खेती किसानी प्रभावित होगी तो इतने लोगों के लिए हम कहां से व्यवस्था लेकर के आएंगे? और ठीक है, हम फ्री में राशन की व्यवस्था करा देंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन राशन ही पर्याप्त नहीं है, उस व्यक्ति के हाथ को कार्य भी चाहिए। वह बैठे बैठे घर में जिसने जिंदगी भर मेहनत की है वह बैठे बैठे खाएगा नहीं, उसके लिए मेहनत करने के लिए हमें जगह भी देनी पड़ेगी और उसको एक व्यवस्था देनी पड़ेगी जिससे उससे मन में यह भावना आए कि देखिए चीनी मिल भी बंद हो गई, किसान अपने गन्ने को क्या करेगा। मैंने कहा एक रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क ये कि लॉकडाउन है लेकिन हमें चीनी मिलें चलानी होंगे, कोविड केयर सेंटर हम बनाएंगे, हेल्प डेस्क बनाएंगे, हम वहां पर वह हर सुविधा उपलब्ध करवाएं और टेक्नोलॉजी इस प्रकार की कि डाउनलोड करें अपने अपने स्मार्टफोन पर ही और किसान को वहीं से हमें सुविधा उपलब्ध करवा दें कि वह अपने स्मार्टफोन से ही लोगों को दिखा सकें कि देखिए मेरी पर्ची ये है, और उस पर्ची के माध्यम से फिर वह अपने खेत का गन्ना मिल तक पहुंचा ले और मिल उसको उस रूप में आगे बढ़ाने का काम करे।